जयपुर शहर के ट्रैफिक भार कम करने के लिए शहर की अहम योजना रिंग रोड परियोजना को लेकर सरकार गंभीर है, जिसके लिए यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल ने योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान शांति धारीवाल ने अजमेर रोड से टोंक रोड होते हुए आगरा रोड तक रिंग रोड का निरीक्षण किया। धारीवाल ने कहा कि NHAI का काफ़ी काम बाकी है, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार JDA का रिंग रोड परियोजना में अब कोई काम बाकी नहीं रह गया है, अब NHAI का ही सारा काम बाकी है। कलीवर लिफ्ट के निर्माण के लिए JDA ने भूमि उपलब्ध करा दी है। निरीक्षण के दौरान टोंक रोड पर कलीवर लिफ्ट निर्माण में रेलवे की जमीन नहीं मिलने को लेकर धारीवाल को NHAI के अधिकारियों ने अवगत कराया। इस पर उन्होंने रेलवे बोर्ड से बात करने के निर्देश दिए। JDC टी रविकांत ने भी जल्द बाकी हिस्सा दिलाने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान JDC टी रविकांत, भास्कर सावंत, NHAI के CGM मुकेश जैन सहित JDA NHAI के आला अधिकारी मौजूद रहे। NH ने जो काम किया है नेशनल हाईवे वालों ने, उसमें काफी कुछ काम बाकी है। अभी प्लांटेशन का काम, जैसे अभी हमारे भास्कर साहब बता रहे थे कि साहब 27,000-28,000 इनको पौधे लगाने हैं, वो भी बाकी है। और तीन जगह जो क्लेवर लीफ का लीफ बनेगा, उसका काम सारा बाकी, तीन जगह का तो वो बाकी। और रेलवे के पार्ट पर जो है दो ROB, जिस पर कोटा जयपुर सवाई माधोपुर के बीच का और एक बांदीकुई वाला, इन पर जो है ये बाकी तो करीब करीब काफ़ी काम हो चुका। तो उम्मीद करते हैं कि जो है ये क्लेवर लीफ से तो आपका ट्रैफिक रुकेगा नहीं, वो तो क्लेवर लीफ में तो टाइम लगेगा, 18 महीना, दो साल उसमें तो लगेगा, लेकिन उससे कोई ट्रैफिक रुकने वाला नहीं है। ट्रैफिक का प्रॉब्लम तो सिर्फ ये रेलवे वाले आ रही है। अगर ये रेलवे वाले की प्रॉब्लम, रेलवे जो है जल्दी इसमें कर देता है, इनको परमिट कर देता है और अपना काम भी पूरा कर देता है, तो मेरा ख्याल है ट्रैफिक इसमें चालू